किसानों के समर्थन में इस्तीफे का ऐलान करने के बाद इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आज चंडीगढ़ से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत कर दी है। सेक्टर 9 स्थित निवास से खुद ट्रैक्टर चलाते हुए अभय चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को मजबूत करने और 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की है, ताकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर कृषि कानूनों को वापस ले। यहाँ से अब सीधा अंबाला जाऊंगा और अंबाला के बाद जहाँ मुझे सैकड़ों की संख्या में किसान जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के खड़े हैं, उनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और मेरा काफिला लगातार यहाँ से पहले अंबाला से बेवा जाऊंगा, बेवा से फिर कैथल जाऊंगा, कैथल से फिर नरवाणा जाऊंगा, रात्रि विश्राम नरवाणा में करूंगा, नरवाणा से कल हजारों ट्रैक्टर साथ लेकर के उचाणा में जाऊंगा, उचाणा के बाद अपने जुलाना में जाऊंगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊंगा और बड़ौदा से घुवाणा रात्रि स्टे करूंगा। उसमें भी वो संख्या ट्रैक्टर की बहुत बड़ी हो जाएगी और घुवाणा से अगले दिन 17 तारीख को सुबह 10 बजे वहां से चलूंगा और वहां से सीधा फिर गन्नौर होते हुए और सिंगू बॉर्डर जा करके उन साथियों को जिनको साथ लेकर के जाऊंगा उनकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि अब आप इस आंदोलन में लगातार यहीं रह करके जहां बाहर से आए हुए किसान हैं उनकी देखभाल करें, वहीं ये और मजबूत हो आंदोलन, इसके लिए अपने अपने गांव में लोगों से संपर्क करें और साथियों को बुलाएं। 26 तारीख को एक ऐसा जमावड़ा वहां इकट्ठा हो कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात पे पुनर्विचार करना पड़े, अपने फैसले पे पुनर्विचार करना पड़े, देश के प्रधानमंत्री को अपने द्वारा जो उन्होंने, क्योंकि सत्ता में बैठ करके लोग ही गलतियां करते हैं, अगर कोई गलत कानून बनाया है तो उसमें सुधार करें और अपनी गलती का एहसास अपने आप को करवाएं और उसको वापिस लेकर के काले कानूनों को 26 जनवरी को हरियाणा देश के किसान की डिमांड को पूरा करें। उधर विधानसभा स्पीकर के द्वारा सशर्त इस्तीफे को नामंजूर करने को लेकर भी अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी। अभय ने कहा कि उनके इस्तीफे से सरकार डर चुकी है, जिसके चलते स्पीकर के द्वारा लोगों में भ्रम डालने के लिए ऐसा बहाना बनाया जा रहा है। मैंने कल आपके सामने फिर बताया था, इसलिए कि हमारे जो स्पीकर हैं वो जानबूझ करके एक लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, बारी बारी कह रहे हैं कि मेरे पास इस्तीफा नहीं पहुंचा, आज उनके ऑफिस में मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। कल उन्होंने मुझे बुलाया था तो कल जब मैं आया तो मैंने पता किया तो स्पीकर तो कल अपने ऑफिस में बैठे ही नहीं, जबकि एक जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी को समय दे मिलने का, और अगर वो किसी कारणवश अपने ऑफिस में ना आ सके, ना उस समय पे पहुंच सके, तो उसके ऑफिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको इतला करें। उन्हें मुझे इतला करनी चाहिए थी कि भी आज स्पीकर नहीं मिलेंगे, आप आज की बजाय फिर कोई समय दोबारा तय कर लें। सब ने मुझे समय दिया और सब मिले नहीं, इसका मतलब सरकार के मन में कहीं डर है, सरकार जानबूझ करके लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है और मेरा इस्तीफा मंजूर करने की बजाय उसको टालना चाहती है। इसलिए 27 तारीख तक के मेरे कार्यक्रम बने हुए हैं, मैं 26 तारीख की रात को चंडीगढ़ आकर के सोऊंगा। अगर 26 तक मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया तो ठीक है, नहीं 27 को सुबह आप सबको निमंत्रण देकर के अपने साथ ले जा करके स्पीकर के सामने दोबारा से दस्तखत करके उसको इस्तीफा सौंपूंगा और वहीं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा इस्तीफा आप अभी तुरंत मंजूर करें। इसके ऊपर अब कोई नुक्ताचीनी करने की बजाय इस्तीफा मेरा मंजूर करके आप वाइट दे करके कहें कि मैंने इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया, ताकि मैं अपनी जिम्मेवारी को आगे निभा सकूं और मैं इस विधानसभा के सदस्य से मुक्ति पा सकूं। बता दें कि अभय चौटाला की ये ट्रैक्टर यात्रा चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचेगी, जहां से हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए ट्रैक्टर यात्रा सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेगी। अभय चौटाला का दावा है कि इस ट्रैक्टर यात्रा में हजारों किसान मजदूर ट्रैक्टर के साथ जुड़ेंगे, जो 26 तारीख को दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।